बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आइए मैथ को आसान बनाएं। मैथमेटिक्स क्लास 8 डोमेन 1 नंबर्स एंड ऑपरेशंस सब डोमेन 3 स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.10 क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज गिवन फाइंड दैट लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन सबट्रैक्टेड फ्रॉम 109087। वो छोटे से छोटा नंबर मालूम करें जिसे अगर 109087 में से सबट्रैक्ट किया जाए, तफरीक किया जाए, तो जो आंसर आएगा द आंसर इज अ कंप्लीट स्क्वायर। तो उसका आंसर एक मुकम्मल मुरब्बा होगा, कंप्लीट स्क्वायर होगा, यानी कि हम इसका स्क्वायर रूट निकाल कर देखेंगे और जो इजाफी नंबर होगा वो एंड में बच जाएगा। और हम ये समझ लें कि अगर उस नंबर को स्टार्ट में ही इस गिवन नंबर में से माइनस कर दिया जाए तो जो आंसर आएगा स्क्वायर रूट का वो एक कंप्लीट स्क्वायर रूट होगा, क्योंकि कंप्लीट स्क्वायर का जो स्क्वायर रूट होता है वो भी एक कंप्लीट नंबर ही होता है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के सॉल्यूशन की तरफ। एक्सरसाइज 1.10 क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने से पहले हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ने लगे हैं दोबारा। फाइंड दैट लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन सबट्रैक्टेड फ्रॉम 109087 द आंसर इज अ कंप्लीट स्क्वायर। इसमें वो पूछ रहा है कि वो छोटे से छोटा नंबर हमने फाइंड करना है जो कि जब 109087 में से सबट्रैक्ट किया जाए, माइनस किया जाए, तो जो आंसर आए वो एक कंप्लीट स्क्वायर हो। तो हमने क्या फाइंड करना है, लीस्ट नंबर फाइंड करना है, छोटे से छोटा नंबर फाइंड करना है जो कि इसमें से सबट्रैक्ट कर दिया जाए तो ये एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। अब इसके लिए याद रहे कि अ कंप्लीट स्क्वायर ऑलवेज हैज अ कंप्लीट स्क्वायर रूट। जो एक कंप्लीट स्क्वायर होता है उसका हमेशा कंप्लीट स्क्वायर रूट होता है, यानी कि अगर उसका स्क्वायर रूट निकालें तो वो भी कंप्लीट नंबर आता है, उसमें रिमाइंडर कुछ नहीं बचता। अब इसके अंदर हमें गिवन है ये वाला नंबर, हम यहां पर लिखेंगे गिवन नंबर वन लैख 9087, 109087। हमने क्या करना है, रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर ये फाइंड करना है। तो अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, हम जो गिवन नंबर है उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे और लास्ट में जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा वो हमारा रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर होगा। तो आइए चलते हैं इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं 109087। स्क्वायर रूट के अंदर हम पेयर्स बनाते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ, फर्स्ट पेयर, सेकंड पेयर, थर्ड पेयर। अब ये 10 है हमारे पास, 10 किस पर हो सकता है, डिवाइड 3 पर, 3 इज द 9, क्योंकि अगर 4 लगाएंगे तो 4 इज द 16, 10 से ज्यादा हो जाएगा। माइनस करेंगे 10 में से 9 माइनस किया, 1 रिमाइंडर आया। अब ये पेयर उतारा है नेक्स्ट 90, तो ये 190 बन गया। पेयर उतारने के फौरन बाद हम क्या करते हैं, इसको डबल कर लेते हैं, 6 हो जाएगा। 3+3 कर दें या 3+2 कर दें, एक ही बात है, डबल करने के दोनों तरीके ठीक हैं। अब 6 के साथ यहाँ पर और यहाँ पर कोई नंबर लगाना है कि आंसर या तो 190 आए या इससे लेस आए, कम आए। 6 के साथ कोई नंबर लगा के देखते हैं, 2 यहाँ पर लगाएं, यहाँ पर भी 2 लगाना होगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4, 2 6 12, 124 आंसर आ रहा है हमारा, जो कि 190 से बहुत ज्यादा कम है। हम क्या करेंगे, अब 3 लगा कर चेक करते हैं कि आया कि ये करीब तरीन आंसर देता है या नहीं। तो 3 3 इज द 9 और 3 6 द 18, 3 6 18, 189, ये करीब तरीन आंसर है, 189 इससे छोटा भी है, तो हम 3 यूज करेंगे यहां पर भी और यहां पर भी। 63 63 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 189 आया था, वो हम इसके नीचे लिखेंगे और माइनस करेंगे। अब 190 में से 189 माइनस करें तो 1 रिमाइंडर आएगा, नेक्स्ट पेयर 87 वाला उतारेंगे नीचे, 187। अब देखें इसके अंदर हम इसको डबल करके लिखते हैं, इसके बाद पेयर उतारने के बाद, तो डबल करके लिखने से ये 66 बनता है। अब इसके अंदर ये प्रॉब्लम आ रहा है कि अगर हम 66 के साथ 1 लगा लेते हैं यहाँ पर, मिनिमम यहाँ पर भी 1 लगा लेते हैं, तो हमारा आंसर मल्टीप्लाई करने से 661 आता है, जो कि इससे बहुत ज्यादा है।
अब इससे लेस नंबर और कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं, हम डबल सिक्स के साथ जीरो लगाएं, नीचे भी जीरो लगाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर जीरो यूज करने से, जीरो से कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो तो आंसर जीरो आता है। तो ये जो हमारे पास आंसर जीरो आएगा वो 187 फिर रिमाइंडर बचा देगा हमारा। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो 187 है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है स्क्वेयर रूट कंप्लीट करने में। अगर हम जीरो लगाकर भी यहाँ पर जीरो कर देते हैं फिर ये अगेन 187 रिमाइंडर बचेगा, फिर डबल करेंगे फिर 187 हमारे पास नीचे आएगा, यानी कि ये वाला जो 187 है ये स्क्वेयर रूट में डिवाइड नहीं हो रहा, कि इजाफी नंबर है जो कि इस नंबर को कंप्लीट स्क्वेयर नहीं बनने दे रहा था। तो यही हमारा लीस्ट नंबर है 187। इस 187 को, ये हमारा आंसर आ गया है, अगर इस 187 को 109,087 में से माइनस कर दें तो हमारे पास जो फिगर बनेगा वो एक कंप्लीट स्क्वेयर होगा और उसका हम स्क्वेयर रूट निकालेंगे तो एक कंप्लीट स्क्वेयर रूट का आंसर आएगा और कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा। लिहाजा हमारा आंसर 187 है जो कि रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर है। आज हमने एक्सरसाइज 1.10 क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व किया है, जिसके अंदर हमने गिवन नंबर का स्क्वेयर रूट निकालकर हमने उसके अंदर से जो रिमाइंडर एक्स्ट्रा नंबर था रिक्वायर्ड लीस्ट नंबर वो निकाला है, जिसको माइनस करने से जो गिवन नंबर है वो एक कंप्लीट स्क्वेयर बन जाता है। और हमने बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चन की समझ भी आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहे। थैंक यू।